तो आप सभी का स्वागत है एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैट्रिक इंटरमीडिएट के रिजल्ट को लेकर झारखंड एकेडमिक काउंसिल अर्थात जैक बोर्ड ने नई अपडेट जारी की है कि रिजल्ट जो है किस दिन प्रकाशित की जाएगी। देखिए दोस्तों, मैं मानता हूं कि आप लोग अभी अपने रिजल्ट को लेकर काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो। कुछ बच्चे तो डरे हुए भी हैं कि मेरा रिजल्ट कैसा रहेगा, हम पास हो पाएंगे भी या नहीं हो पाएंगे। देखिए, ये बच्चों में स्वाभाविक सा होता है, जब रिजल्ट जारी होने लगता है तो सभी के मन में डर सा बना रहता है, चाहे वो तेज विद्यार्थी हो या बोकस विद्यार्थी हो या मीडियम के विद्यार्थी हो, सभी विद्यार्थियों में ये डर सा बना हुआ आता है। हमने भी जब एग्जाम दिए थे 10th और 12th का, तभी भी हम लोगों का भी डर बना हुआ था कि मेरा रिजल्ट कैसा बनेगा। लेकिन हमेशा पॉजिटिव थिंक्स रखना है, पॉजिटिव हमेशा रहना है, तो आप लोगों के साथ भी पॉजिटिव ही होगा। और आप लोग अच्छे से तैयारी किए हैं तो अच्छा मार्क्स आप लोगों का आएगा। इस बार लगभग जो है 97% आप लोगों का रिजल्ट जो है बनने वाला है। ठीक है, देखिए दोस्तों, आज की जो अपडेट आई है वो आप पहले देख लें। यहाँ पे देखिए, आप मेरे लेफ्ट साइड में बताया गया है कि मैट्रिक इंटर साइंस का रिजल्ट जो है अगले हफ्ते, तो किस डेट पर आप लोगों का जारी हो सकता है ये पूरी तरीके से बता रहा हूं। देखिए यहां पे बताया गया है कि मैट्रिक और इंटर साइंस का रिजल्ट अगले सप्ताह जारी हो सकता है, रिजल्ट प्रकाशन की तैयारी जो है अंतिम चरण में है। देखिए, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था दोस्तों कि जैक के चेयरमैन का सिग्नेचर नहीं हुआ है और आपका जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल का जो वॉइस चेयरमैन है उन्होंने ये बयान खुद दिया था, और आपका जो झारखंड के शिक्षा मंत्री है श्री जगन्नाथ महतो सर, उनके द्वारा ही आप लोगों का रिजल्ट जो है प्रकाशन की प्रक्रिया की जाएगी। आपका जो रिजल्ट है वो पूरी तरह से तैयार हो गया है, पूरी तरह से बन भी चुका है, अपलोडेड भी है, लेकिन पब्लिश नहीं किया गया क्योंकि मुहर अभी तक नहीं लगा हुआ है जैक बोर्ड की तरफ से और झारखंड सरकार की ओर से, इसलिए आप लोगों में देरी हो रही है रिजल्ट प्रकाशन को लेकर। देखिए आगे यहाँ पे बताया गया है कि इस वर्ष मैट्रिक और इंटर की परीक्षा दो चरणों में ली गई थी, दोनों चरणों के प्राप्तांक के आधार पर रिजल्ट जारी होगा। मैट्रिक और इंटर साइंस की परीक्षा में लगभग जो है 5 लाख विद्यार्थी जो है शामिल हुए थे। इंटर आर्ट्स व कॉमर्स का रिजल्ट इसके बाद जारी किया जाएगा, यानी कि पहले जो है 10वीं और 12वीं साइंस वालों का रिजल्ट जारी करेगी, उसके बाद जो है इंटर और कॉमर्स वालों का जो है कॉमर्स और आर्ट्स वालों का रिजल्ट जारी करेगा। आर्ट्स व कॉमर्स का रिजल्ट जुलाई के प्रथम सप्ताह तक में जारी होने की संभावना है। तो देखिए यहाँ पे संभावना बताई गई दोस्तों, लेकिन उससे पहले ही आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। मैंने कल ही आप लोगों को बताया था कि देखिए अगला सप्ताह आप लोगों का 20 से शुरू होगा, यानी सोमवार से। ठीक है, सोमवार से लेकर आपका दोस्तों 25 तक में, ठीक है, 25 तक में आप लोगों का रिजल्ट जारी होगा। 20 से लेकर 25 के बीच किसी भी दिन आपको रिजल्ट जारी हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही कोई एक लेटर आया था जिसमें मैंने आपको बताया भी था कि 20 तारीख को आप लोगों का रिजल्ट आ सकता है। ठीक है, क्योंकि मैंने सारा चीज़ बताया था उसमें। और दोस्तों, इंटर वालों का जो इंटर आर्ट्स और कॉमर्स वालों का है, मैंने बताया था कि 27 या 28 को आएगा। अगर इस दिन आप लोगों का रिजल्ट नहीं आता है तो कन्फर्म है कि आप लोग जो का रिजल्ट जो है जुलाई के फर्स्ट वीक में 100% गारंटी देता हूं कि रिजल्ट आप लोगों का पब्लिश कर दिया जाएगा। और दोस्तों, इस बार का जो रिजल्ट है वो काफी बेहतर बनने वाला है, इसलिए दोस्तों आपके मन में जो डर बना हुआ है उस डर को भगाइए और आगे की आप लोग तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।